को सब टीवी कर दे, सब टीवी को सोनी, सोनी को सब टीवी कर दे, सब टीवी को सोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अकबर, बीरबल और कोई नहीं। गाड़िया की गाड़ी, गाड़ी आ गई, लोग आ गए, भीख मांगो, चित्र बिछाओ, चित्र जल्दी 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 आगे ना चले जाए गाड़ी। पैसे कहाँ, पैसे? बीरबल, हाँ जी, ये पैसे क्यों फेंक रहे हो? साहब जी, ये धंधा है, धंधा किया है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हेलो अकबर पाजी, हेलो, ये क्या कर रहे हो? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, आकड़ वही है, चेंज करो स्टाइल, ऐसे कोई नहीं देता। हेलो, टांगे, हाथ, मुंह, एक्शन। ओ पिज्जा खिलाई दे, कोई बर्गर खिला, अकबर की फरियाद है। बस जमाना बदल गया है। हाँ जी, मूंगफली खाने के दिन आ गए हैं। हाँ जी, लेकिन थैंक गॉड, बीरबल आज भी मेरा चमचा है। मैं थप्पड़ मारने? बदतमीज, क्या हुआ साला? गाली निकालनी जीजा जी, भाई समय के नहीं, पहले अपना स्टाइल चेंज करो। हाँ। ऐसे कोई नहीं भीख देता। हाँ। कितनी देर हो गई मांगती, किसी ने भीख दी है? अरे जितने लोग हैं ना, वो पीछे जा जाके राजीव निगम को भीख दे रहे हैं। साहब जी सुनो, उनका कोई कसूर नहीं, वो ना शक्ल का हिसाब होता है। अरे मैंने कितनी गंदी शक्ल बनाई है? यही पंगा ना आपने बनाई है, उसने पाई है। वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं, वापस आ जाओ। टांगे, हाथ, मुंह, एक्शन। बीरबल। हाँ जी। तुम्हारी गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही है। मैंने क्या किया? पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था क्या? कि जोड़ा को बुलाओ। तुमने अमिताभ बच्चन के घर में फोन लगा दिया। जाओ, ये हमारे मनोरंजन का इंतजाम करो। मैं वैसे आपके मरने का इंतजाम ना करूं? हाँ, थप्पड़ मारना मैंने। ये डायलॉग मेरा है, मेरा प्रैक्टिकल है। जाओ तानसेन को बुलाओ, तानसेन को बुलाओ, अपना इलाज कराओ। तानसेन तो वो अपना तानपुरा लेके उसके पास गया, समीर सेन और क्या दिलीप सेन के पास काम मांगने है। तुम तो उसको काम देते नहीं, ना तनख्वाह देते हो, हैं ऊपर से दाद देते रहते, दाद दे दे के उसके घर की हालत बगदाद जैसी कर दी है। आपने मनोरंजन करवाना? हाँ। सारी उम्र तानसेन से करवाते रहे, एक बार मेरे से करवा के दे। बहुत अच्छा करता हूँ मैं मनोरंजन। अबे कहाँ तू और कहाँ तानसेन? क्या हुआ? अरे तानसेन की वॉइस में कंट्रोल था। अच्छा। फीलिंग था। फीलिंग था, दोनों चीजें मेरे में है। फीलिंग तो इतनी है, जरा सी कोई बात कर दे मैं फील कर जाता हूँ। सच्ची, जैसे आपने मुझे कह दिया बेसुरा, मैं थप्पड़ मार देना। कंट्रोल इतना, आवाज निकलती नहीं, कई बार गया हूँ कई प्रोग्रामों में। अरे यार छोड़ो ये सब, कहाँ ना तानसेन को बुलाओ। तानसेन को? सर जी एक बात को, थोड़ा सा खर्चा करो ना। अगर तो तानसेन तो क्या, सुष्मिता सेन, वो मुनमुन सेन, क्या राखी सावंत सेन को बुला लो। राखी सावंत सेन? नहीं सेन नहीं, सहन, सबको सहन कर लेती है। अच्छा, मतलब लोग करते ना पीएचडी वगैरह तो सहन कर लेती है। अच्छा एक काम करो यार तुम। हाँ जी। तुम डायरेक्ट अनारकली को बुलाओ, हम मुजरा देखेंगे। ले मुजरा देखो, मुजरा देखेंगे। वो अनारकली ऐसे नहीं आती, उसको देखने के लिए, उसका डांस देखने के लिए लाखों रुपए ऐसे लुटाने पड़ते हैं। अब वो तरन्नु बन चुकी है, उसकी मम्मी ने दुबई भेज दिया उसको शेखों के पास मनोरंजन करवाने के लिए। और अगर अनारकली दुबई चली गई है तो हम मनोरंजन किससे करवाएंगे? गे इतना जोर से ना बोला करो, वो शकील के ना कान खड़े हो जाते गे सुनते ही। अरे क्या बकवास करते रहते हो तुम, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें, जब देखो बकवास करते हो। इसलिए आज तक तुमने तरक्की नहीं की, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देता है। अच्छा, तो तुमने क्या तरक्की कर ली हो? अरे मैंने तरक्की नहीं की तो क्या हुआ। हाँ। मेरे दो बच्चों ने तो तरक्की कर ली है, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। बच्चे? बच्चे कौन हैं? मेरे दो सगे बेटे। कौन? आकाशदीप साइगल
और परवेश सिद्दकी। अरे बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए, आजकल बद्रीनाथ में भीख मांगते हैं। अच्छा अच्छा, तभी मैं जब भी उधर से निकलता हूँ ना तो वहां से आवाज वही आती होती है। अच्छा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हेलो, हाँ जी, जापान से फोन है, कराएं बात कराएं। बड़ा ही कुत्ते का बच्चा है भाई तू, जापान जाके भी यही पूछ रहा टाइम क्या हुआ है। अबे तू है कौन, खुदा की कसम फोन में थूकूंगा सीधे तेरे मुंह पे आएगा। ये आदमी है कौन, सुबह से मुझसे पूछा टाइम क्या। अरे एकता जी, माशाल्लाह आपके ड्रामों में एक चीज बड़ी अच्छी है, दादियां बड़ी बम्बार्ड होती हैं। कौन सी चक्की का वो खाती हैं आटा, मरी नहीं रही हो तो। दादी की देखो ये लंबे बाल, हमारी यहाँ दादी है, दांत नहीं, आंखें कमजोर, बड़ा चश्मा, खिचड़ी बाल। एक तुम्हारी दादियां होती हैं, पोतियों को छोड़ के दादी को देखने को दिल करता है। दादियां बच्चों की बात करें, एक चाइनीज के यहाँ बच्चा हुआ, बीवी ने अपने मियाँ से पूछा इसका क्या नाम रखे, नाक चपटी, कान चपटे, मुंह चपटा। बोले इसका नाम रख दो यंग फांग शांग। मैंने कहा गुड। अल्लाह ने फिर दूसरे साल बेटा दिया, वो भी नाक चपटा, कान चपटा, मुंह चपटा, बिल्कुल ही चपटा चपटा। माँ ने पूछा इसका क्या नाम रखे, बाप ने कहा इसका नाम रखो यंग फांग टोंग। गुड। अगले साल बच्चा जरा अलग किस्म का हो गया, खड़ी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, सांवला रंग। बीवी ने पूछा इसका नाम क्या रखे, बोले समथिंग रॉन्ग।